नमस्कार दोस्तों, इंडियन जुडिशियल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके मुख्यालय और उनके अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो कृपया इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, और अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज आपके तक पहुँच सके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेज, ये पुर्तगाल से संबंधित। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसमें यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी होते हैं, ये इनका अध्यक्ष जो है ये इस समय एंटोनियो गुटरेज हैं। और ये जो संस्था है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में, जिसका नाम है इंटरनेशनल टेरिटरी, और ये यूनाइटेड नेशन का ही हेडक्वार्टर है, और ये जो है यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अगला आते हैं हम लोग, महानिदेशक ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं ये हैं क्रिस्टीना लिगार्ड। ठीक, क्रिस्टीना लिगार्ड बहुत ही विश्व की शक्तिशाली महिलाओं में से एक इनकी गिनती होती है। और आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, इसका हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है। अगला आते हैं हम लोग, अध्यक्ष विश्व बैंक जिम योंग किम, ये दक्षिण कोरिया के हैं। जिम योंग किम दक्षिण कोरिया के, वर्ल्ड बैंक जो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1945 में हुई थी, जुलाई 1945 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है। अगला आते हैं, विश्व व्यापार संगठन महानिदेशक हैं ये रोबर्टो डी अजबेडो, ये ब्राज़ील के हैं। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये गैट को रिमूव करके जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, और इसका जो स्थापना दिवस है ये 1 जनवरी 1995 में हुआ था। तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है सेंट विलियम रैपर्ड जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला आते हैं हम लोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन मीन्स WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई है ये 7 अप्रैल को हुई है, और ये जो है 1948 को हुई थी। तो 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं ट्रेडोस एदानान घेब्रेयेसस, ये इथोपिया के हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला आते हैं हम लोग, राष्ट्रमंडल पैट्रिसिया जो है, राष्ट्रमंडल के जो महाध्यक्ष मतलब महासचिव हैं ये पैट्रिसिया बैरोनेस स्कॉटलैंड। देखिए, ये स्कॉटलैंड के हैं। देखिए, जो यूके है यूनाइटेड किंगडम, इसमें आयरलैंड स्कॉटलैंड और इंग्लैंड आता है, तो इसमें यूनाइटेड किंगडम में बैरोनेस पैट्रिसिया बैरोनेस जो है इसके महासचिव हैं। देखिए, राष्ट्रमंडल क्या देश हैं, राष्ट्रमंडल देश वे देश हैं जो कि जिस पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश कॉलोनियल कंपनीज थी, जो कॉलोनियल कंट्रीज़ थी, वो राष्ट्रमंडल के मेंबर हैं। तो इसमें राष्ट्रमंडल खेल भी होते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये यूके में ही है, और इनके जो अध्यक्ष हैं वो पैट्रिसिया बैरोनेस हैं, ये जो स्कॉटलैंड के हैं। अगला आते हैं, ये दसेज यानी सार्क दसेज, इसके महासचिव हैं अमजद हुसैन बी सियाल, ये पाकिस्तान के हैं। तो जो सार्क है इसमें सबसे पहली बात, इसमें 8 मेंबर हैं, इसमें अंतिम मेंबर अभी अफगानिस्तान को बनाया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये काठमांडू नेपाल में है, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। तो 1985 में 8 दिसंबर 1985 को जो है सार्क की स्थापना की गई थी। अगला आते हैं हम लोग, महासचिव ये नाटो के, ठीक है, नाटो क्या है, नाटो एक ऐसी संस्था है जो सैनिक संस्था है, जिसमें कि क्या होता है कि इसके जितने भी मेंबर हैं अगर उस पर कोई भी देश आक्रमण करता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो सभी देशों पर आक्रमण किया, जिससे कि वो सभी देश उस देश का बचाव करते हैं। तो ये नाटो, इसका सदस्य जो है अमेरिका भी है। तो नाटो का जो इस समय महासचिव है ये है जेम्स स्टाल टेनबर्ग, ये नॉर्वे के हैं। तो नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल यानी 4 अप्रैल को हुई है नाटो की स्थापना, और ये जो है 1949 को हुई है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, यूनाइटेड नेशन की स्थापना होने के बाद इस जो है संस्था की स्थापना की गई, और इस ये जो संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ब्रुसेल में इसका जो हेडक्वार्टर है बेल्जियम में। अगला आते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्था का नाम है, और इसके अध्यक्ष हैं युकिए अमानो, ये जापान के हैं। युकिए अमानो जो हैं ये जापान के हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा के लिए। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसका हेडक्वार्टर है बियाना ऑस्ट्रिया में है। देखिए, परमाणु से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन वो ऑस्ट्रिया में है, या ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, जो कि बियाना जो है इसका हेडक्वार्टर है। अगला आते हैं हम लोग, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थाई
प्रतिनिधि, बहुत ही आसान है ये, सैयद अकबरुद्दीन जो है भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। अगला आते हैं अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ILO, देखिए ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना जो है ये 29 अक्टूबर को हुई थी 1919 में, बहुत ही आसान इसको याद करना, 1919 में जो है इसकी स्थापना हुई थी 29 अक्टूबर को। इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में ये हैं गाय राइडर। तो गाय राइडर जो है, देखिए इसको याद करना बहुत ही आसान है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो जो गाय है, देखिए हम लोगों की गाय आजकल के बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है, तो गाय जो है एक तरीके से इकोनॉमिकली बहुत ही वैल्यूएबल होती है। तो यहाँ पर श्रम जो है वो एक लेबर, यानी कि लेबर से जो है इनकम डेवलप होती है, प्रोडक्शन होता है। तो याद रखना बहुत आसान है, गाय राइडर जो गाय को राइड करता है, यानी गाय राइडर यूके के हैं ये अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला आते हैं हम लोग महासचिव इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल है, इसकी स्थापना 1923 को की गई थी, और ये लियोन फ्रांस में है, और इनके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जारगेन स्टॉक जो है जर्मनी के हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं। अगला आते हैं हम लोग महासचिव संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके महानिदेशक हैं जोन्स ग्रेसियानो डे सिल्वा। तो जोन्स ग्रेसियानो डे सिल्वा जो है वो महानिदेशक हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के, यानी जो है ये FAO के जो है निदेशक हैं, महानिदेशक हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में है। देखिए खाद्य से संबंधित जितने भी जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो रोम इटली में ही होते हैं, तो वहाँ इसलिए याद करना बहुत आसान है, रोम इटली में जो है अंतर्राष्ट्रीय FAO अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर है। अगला आते हैं हम लोग अध्यक्ष अफ्रीकी संघ इद्रिस डेबी, ये चाड के हैं। अगला आते हैं अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में मीरोस्लाव लैजसेक, तो मीरोस्लाव लैजसेक जो है वो इसके संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। अगला आते हैं हम लोग यूनेस्को जो है इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं आंड्रे अजूले फ्रांस, ये इसके अध्यक्ष हैं। और यूनेस्को जो है ये एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो हेडक्वार्टर है प्लेस दी फॉन्टेनियो पेरिस फ्रांस में है। एक बार इसको जरा सा देख लीजिएगा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा है, क्या इसके अध्यक्ष, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्या इसके अध्यक्ष जो है वो मीरोस्लाव लैजसेक है, कमेंट बॉक्स में अगर डाल दीजिए अगर किसी को भी कुछ इसका सही उत्तर मिलता है, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, क्योंकि एंटोनियो गुटरेज जो है संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, तो हो सकता है यहाँ पर यह गलत दे दिया हो, आप एक बार देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला आते हैं हम लोग अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये केवी थामत है, लेकिन न्यू डेवलपमेंट अभी नया ही बैंक स्टैब्लिश किया गया है, जिसमें कि जो है भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, रसिया है और चाइना है, यानी जो हमारे ब्रिक नेशंस हैं उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये चाइना में है, और ये जो है इसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं इस बैंक के, ये केवी थामत भारत से रिलेटेड संबंधित हैं। अगला आते हैं हम लोग महानिदेशक संयुक्त राष्ट्र आपात, तो संयुक्त राष्ट्र आपात बाल कोष एंटनी लेक, तो ये महानिदेशक जो हैं संयुक्त राष्ट्र आपात बाल कोष के जो है एंटनी लेक जो है USA के हैं ये। अगला आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है ये महासचिव हैं ये आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान के, तो इनके जो अध्यक्ष हैं वो हैं इसके अध्यक्ष जो हैं एक बार जरूर चेक करिएगा, वैसे शायद लिम जोक हुई जो हैं इसके अध्यक्ष हैं, इसमें लगता है ये गलत प्रिंट हो गया है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है, तो इसके जो अध्यक्ष हैं लिम जॉक JACKHAI, तो ये इसके जो है। अगला आते हैं हम लोग अध्यक्ष एशियाई डेवलपमेंट बैंक ताके हिको नकाओ, ये जापान के हैं, तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, तो ये फिलीपींस में है। तो अगला आते हैं हम लोग अध्यक्ष गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन मीन्स नॉन अलाइन मूवमेंट, तो नॉन अलाइन मूवमेंट इसका जो हेडक्वार्टर ये जकार्ता में है,
और इसके जो अध्यक्ष हैं वो निकोलस मडुरो हैं वेनेजुएला के। अगला आते हैं और ये अंतिम भी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो इसके अध्यक्ष जो हैं इसमें ये भी गलत दिया हुआ है, ये रॉनी अब्राहिम जो है ये पहले थे, इसमें प्रेजेंट टाइम में जो हैं इसके अध्यक्ष जो हैं अब्दुल कवई यूसुफ हैं, अब्दुल कवई यूसुफ इसके जो 25वें प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये हेग नीदरलैंड में है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है, और इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको जो है लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज आप सभी तक पहुंच सकें, और अगर आपको कोई इसमें राय हो तो आप ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में डालिए, और हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।